हाय फ्रेंड्स, इस सरसों का खेत, इस सरसों के खेत में इतनी ज़बरदस्त सरसों है, ऐसी गजब फसल है, इसका रहस्य मैं आपको बताता हूँ। और मैंने इसमें एक अलग ही प्रयोग किया था, अलग ही ऐसा कुछ किया था, मैंने सोचा कुछ हटके किया जाए कि फसल में कुछ तब्दीली आए, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही पिछले साल जब ये सरसों का खेती फसल कटी थी, उसके बाद में मैंने क्या किया था, जैसे ही फसल कटी, तवा वाले जो हल आड़े होते हैं ना, तवा वाले हल आड़ से इसको मैंने जोत लगाई और इसको लगभग 2 या 3 महीने तक खुला छोड़ दिया। खुला छोड़ने के पीछे मेरा जो प्लान था, मेरी जो सोच थी वो ये थी कि जो गर्मियों में जो हवाएं चलती हैं, जो आंधियां चलती हैं, उसके साथ जो मिट्टी उड़ उड़ के आती है, वो इस जोत में, इस खेत के जो बड़े बड़े ढीम या जोत होती है, उसमें नीचे समा जाएंगे और वो बहुत उर्वरक होते हैं। वो जो हवा के साथ जो बालू मिट्टी या कुछ कूड़े या कुछ करकट, मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उस जोत में आके वो जम जाती हैं। और उसके बाद में जैसे ही वो मौसम ख़त्म हुआ, जो गर्मियों का जो हवाएं आंधियां चलती हैं, हमारे यहाँ राजस्थान बहुत चलती हैं, उसके बाद में मैंने इसको फिर जोत के इसमें मेज लगा दी, मेज लगा के पटक दिया। और जैसे ही ये टाइम आया और फिर इसमें सरसों बो दिया, केवल एक पानी दिया है मैंने इसमें, एक पानी।